हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज है मेरा बर्थडे। जैसे आपको पता ही है, कल रात को हमने बता दिया था। तो आज मेरा बर्थडे है, आज बड़ा खुश हूँ मैं। हाँ, आज स्कूल नहीं गया, वैसे छुट्टी है। एक हिसाब से सर ने कहा था आना है तो आ जाना, वरना कोई ना एनुअल डे था आज। तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था उनको कहा था सर ने कि छुट्टी कर लो। ये देखो अभी भी बोल ही गए, हर टाइम बोलते ही रहते हैं लोग। बर्थडे विश कर रहे हैं मुझसे सर से। थैंक यू थैंक यू। देखो चुप हो गए अपने आप। तो हाँ, बस यही मेरा बर्थडे आज। तो आज कहीं जाना नहीं है शायद से, मम्मी ने कहा था। जैसे आपको पता है क्यों नहीं जाना, लेकिन फिर भी देख लेंगे। मंदिर वंदिर जाएंगे शायद से हम, इस्कॉन शायद से इस्कॉन मंदिर या गुरुद्वारे जाएंगे। तो दिखाऊंगा मैं आपको ज़रूर। और आज मम्मी मुझे खाना खिलाएगी बाहर से, मतलब बाहर से भिजवाएगी। तो मैं मम्मी को बोल दूंगा कहाँ से भिजवाना है कहाँ से नहीं, तो मम्मी अपने आप भिजवा देंगी। तो गाइस, मेरा खाना आ चुका है। जैसे मैंने कहा था मम्मी भिजवाएगी खाना। तो हाँ, मैंने मैकडी से मंगवाया था। मम्मी को कहा था कि मैकडी से भिजवा देना। मेरा खाने का मन नहीं था, छोले भटूरे वैसे तो पसंद होते हैं मुझे, लेकिन मन नहीं था इस बार। तो हाँ, दिखाता हूँ मैं क्या क्या मंगवाया है। तो गाइस, मैंने मंगवाई है ये कोक, ये फ्राइज मंगवाया है, और ये आलू टिक्की वाला बर्गर। तो हाँ, मैंने यही मंगवाया, मुझे ज़्यादा कुछ खाना ही नहीं था इसलिए मैंने यही सारी चीज़ें मंगवाई है। तो मैं इसको इन्जॉय करूँगा बस। बाहर जाना नहीं था इसलिए मम्मी ने कहा कि मंगवा ही ले खाना। तो हाँ, ये भी अच्छा ही, ऐसी बात थोड़ी है कि मतलब बाहर जाना तो यही करना था मैंने भी। वैसे अब घर पे खा रहा हूँ मैं। तो गाइस, अभी मैं रौनक और कार्तिक को लेकर और रौनक को लेकर इस्कॉन मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि ऑफिस से आज मैं जल्दी आ गई थी। मैंने सोचा कि कुछ 5:30, हाँ सेलिब्रेशन तो इतना कुछ करना नहीं है, तो कम से कम मंदिर गुरुद्वारे माथे तो टेक के आ ही सकते हैं ना जन्मदिन वाले दिन। तो मैं इन दोनों को, मैंने रौनक को लेकर जाना था, फिर कार्तिक से पूछा कि चलोगे, कह रहे हाँ मैं भी चलूंगा। तो इन दोनों को मैं इस्कॉन मंदिर लेके जा रही हूँ। तो गाइस, मैं आपको इस्कॉन मंदिर जाके जरूर मिलूंगी। गाइस, हम लोग आ गए थे इस्कॉन मंदिर, आप देखो। गाइस, इस्कॉन मंदिर में खिचड़ी का प्रसाद मिलता है, और ये कार्तिक प्रसाद खा रहा है, और ये रौनक खा रहा है, और ये मेरा प्रसाद। तो गाइस, रौनक और कार्तिक ने बोला चाची कुछ खाना है, चेरी का बर्थडे है। तो इन दोनों को मैंने पेस्ट्री लेके दिए एक एक। कैसी है? अच्छी है, खुश। तो गाइस, ये हमारे घर के पास शॉप है, ब्रदर बेकर्स की शॉप है, बहुत बड़ी शॉप आप देख सकते हो। और यहाँ पे हर तरह का सामान मिलता है, है ना? सब चीजें मिलती है, पेस्ट्री वगैरह, केक वगैरह अच्छे मिलते हैं, वो भी एगलेस केक होता है ना। चलो खा लो फिर। आप भी खा लो। मैं भी खा लूँ? नहीं, मैंने नहीं खाना, मेरा दिल नहीं है। घर जाके क्या करते हैं? खेलेंगे। खेलेंगे? पढ़ना मत। गाइस का मुंह मीठा करा दो। गाइस आप पे मुंह मीठा करो। तो गाइस, सोनिया भाभी चेरी के लिए गिफ्ट लेकर आई है, क्योंकि रात को उन्होंने बाहर से विश कर दिया था। ऊपर से मैंने आपको बताया था कि सोनिया भाभी सो चुकी है, जल्दी सो जाते हैं। तो अभी वो आए हैं चेरी के लिए गिफ्ट लेकर। मैं आपको दिखाती हूँ, सोनिया भाभी यहाँ बैठे हुए मुस्कुरा रहे। ये देखो, ये लेकर आए हैं, और इसके लिए स्वेटशर्ट है, हुडी वाली। ये खोल के दिखाइए बाबू। हाँ, ये चेरी कैसी लगी? अच्छी, चेरी को बहुत अच्छी लगी, और मुझे भी बहुत अच्छी लगी। बहुत प्यारा लग रहा है, कलर भी बड़ा प्यारा है। और ये वाला तो गोल्डी भी ने दिया था, तो आज इसको यही पहना दी बर्थडे वाले दिन। अब ये बाद में पहनेगा जब घूमने जाएगा। हाँ, और साथ में ये खाने पीने का सामान, जिसमें है एक चॉकलेट इतनी बड़ी वाली, बाप रे, और साथ में मैगी है, साथ में माजा है, और चेरी का सबसे फेवरेट ओरियो। तो
चेरी की तो लॉटरी लगी हुई है गाइस, हमारे तो कुछ रहता ही नहीं है, है ना भाभी? हाँ बर्थडे ऐसे ही होना चाहिए कि पता ही ना चले और मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे, है ना? और होता भी अपने आपको ना पता नहीं किसी और अपने आप को खास लगता है ना। मेरे को अपने वाले बर्थडे कुछ करे चाहे ना करे, मुझे अपने बर्थडे वाले दिन अपने आपको अच्छा फील होता है। बिल्कुल होना चाहिए, है ना? और गिफ्ट मिलने में तो और गिफ्ट गिफ्ट मिलने में तो और भी मजा आता है। चीना का पहले आएगा, अब किसका आएगा बर्थडे? अब ये चीना रानी खड़ी है, अभी तो बड़े सारे अच्छा है उसका आना है। गोलू का, काकू का, सार्थक का, सार्थक सबसे पहले का सार्थक आएगा, सार्थक फिर उसका है कार्तिक का, नहीं फिर पूछी का है, फिर कोको का है, अच्छा फिर कार्तिक का है, अच्छा फिर गोलू का है, फिर गोलू का है, फिर कन्नू का है, फिर मम्मी पापा के बहुत सा है, फिर और पापा मम्मी के एनिवर्सरी के बाद जैद का बर्थडे है, हाँ फिर कन्नू का है, धीरे धीरे करके सबका आ जाता है ना, 6-7 ऐसे है ना उनका। बढ़िया है। और ये कोको को देखो, ये करना पता नहीं क्या चाहती है। फिर मई में उन दोनों का भी है। किन दोनों का? फिर चाचू का भी, मतलब कितने बहुत सारे बर्थडे आ रहे हैं। तो पर इतने सारे सब जाने हैं तो फिर सबका बर्थडे आएगा ना धीरे धीरे करके। तो तू तू तो को बर्थडे वाले। और ये कोको, इनका भी तो बर्थडे हुआ। कोको का क्या खाना है? इनका भी है। कोको रस खाएगा? लाए थे। चले बीच में बैठ, इनको ऐसा है भाभी कि ना ये बीच में आके बैठती है ना कि हमें भी इम्पोर्टेंस मिले, हमें हाँ, हमें बताओ, हाँ हमें भी बताना चाहिए। तुम बोल क्या रहे हो? चलो 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 चलो, मुझे ये बड़ी प्यारी लगती है ऐसे। ऊपर से गेट बंद हो ना तो वो शुरू कर देगी ऊपर जा। कला कल आके ना एक बार दिखाना पूछी, देखो कैसे बैठी हुई है वो, देखो मम्मी गई इंतजार में। और ये पूछी को देखो गाइस, पूछी ये इंतजार कर रही है भाभी का। मम्मी का मम्मी, तेरी मम्मी बोलती नहीं है। गाइस एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, एक खुशी की खबर देनी थी आपको भी। निक्की के चैनल पे खुशी की खबर है हमारे चैनल के लिए, काकू फैमिली ब्लॉग। गाइस काकू फैमिली ब्लॉग दोबारा से ओपन हो चुका है, जो चैनल मतलब हमारा बंद कर दिया गया था वो 3 महीने दो रीओपन हो गया है 3 महीने 2 दिन के बाद। तो प्लीज जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए काकू फैमिली ब्लॉग, और ब्लॉग जरूर देखना, ब्लॉग जरूर देखना। एक ब्लॉग आ चुका है उसके ऊपर, अब डेली ब्लॉग आया करेंगे काकू फैमिली ब्लॉग पे। ब्लॉग तो आ गया होगा। और स्कॉट विद सार्थक और काकू फैमिली ब्लॉग को जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। मैं रौनक और अपनी और आशु जी की एक दो फोटो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप देखो, ये देखिए रौनक और मेरी फोटो है ये, और ये आशु जी, ये रौनक की बचपन की फ़ोटो और ये भी इसकी बचपन की फ़ोटो, ये देखिए। और ये इसके मामू के साथ है, इसके मुंडन की फ़ोटो है ये। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी बहुत पिक्स, और इसमें ये वॉकर में बैठा हुआ है, ये भी इसकी मुंडन की फ़ोटो है, ये देखिए। बचपन में रौनक बहुत क्यूट लगता था, आप देखिए, कोई कह भी नहीं सकता कि रौनक की पिक्स है ये। और ये सारी पिक्स जो है ये गोलू और मैं और चीना खींचते थे, उन लोगों को बहुत क्रेज होता था। ये देखिए ये इसकी फर्स्ट बर्थडे की है, ये देखिए। पिक्स तो ये इसका फर्स्ट डे था, ये जब प्ले स्कूल में गया था इसका फर्स्ट डे स्कूल का था। और ये हरिद्वार, ये हम लोग अमृतसर गुरुद्वारे गए थे, और ये हरिद्वार गए थे वहाँ की थी। और इसका फर्स्ट डे स्कूल का था इसके पापा के साथ सुबह मॉर्निंग की। और गाइस ये देखिए फ़ोटो, एक ही इसमें सारी फ़ोटो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रौनक, ये चारों फ़ोटो में रौनक की है, और इसमें मैं हूँ, चारों फ़ोटो में मैं हूँ उसके साथ। और ये इसके फर्स्ट बर्थडे की फ़ोटो है,
ये बड़े भैया और आशु जी है साथ में, इसमें मेरे मम्मी पापा और रौनक है, और इसमें मैं हूँ, और ये मम्मी है मेरी मदर इन लॉ, ये भाभी उन्होंने सारे इकट्ठे फ़ोटो खिंचवा रखी है, ये मेरा ब्रदर और आशु जी है, ये हमारी पिक है, और ये गाइस मैं बताती हूँ, ये मेरी भाभी है, ये मैं हूँ, और ये मेरी सिस्टर है, और ये मेरे मम्मी पापा। गाइस पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम सब लोग होते थे एक साथ, तो बहुत इन्जॉय करते थे। आपको पता है कि परिवार साथ में होता है तो बहुत अच्छा लगता है, बस एक यादगार ही होती है पिक्स, क्या होता है कि एक यादगार रह जाती है। ये देखिए पुरानी यादें होती है ना, वो सिर्फ पिक्स में रह जाती है, फ़ोटो में रह जाती है। और इसमें देखो रौनक गोलू के साथ है, ये सारी पिक्स देखो बच्चों की। और रौनक के मुंडन से एक दिन पहले की पिक है ये, जब इसके बाल थे तो हमने सोचा कि इसकी चोटी कर देंगे ताकि एक यादगार रहते, इसके बाल लंबे थे। और ये मेरी भतीजी है, और ये मेरी भांजी है, और ये रौनक जब इसकी फर्स्ट जन्माष्टमी आई थी तब इसको कृष्ण बनाया था हमने, और ये चीना है, और ये मेरी भतीजी है। ये बहुत सारी पिक्स है गाइस, और ये आशु जी है, ये मैं, ये गोलू है मेरे साथ, ये रौनक है अपने पापा के साथ, और ये हमारे घर के बच्चे। अच्छा लगता है एल्बम देखते हैं गाइस, की पुरानी यादें हमारी ताज़ा हो जाती है। ये देखिए कहाँ चले जाते हैं सब पता ही नहीं चलता। ये रौनक अपने पापा के साथ घूमने गया था, ये वहां की पिक है। ये देखिए इसमें काजल लगाया हुआ एक आंख पे इसने एक आंख में काजल, एक में आई नहीं है, देखो कितना स्टाइल मारता है ये, बचपन से ही बहुत स्टाइल मारता है गाइस। ये देखो इसमें रौनक गाइस 21 दिन का था, मैं अपनी मम्मा के घर पे थी, और 21 दिन के बाद इसके पापा इससे मिलने के लिए आए थे। देखो कैसे सो रहा है ये, और इसके पापा देखो, ये बहुत छोटा था उस टाइम, कैसे बैठा हुआ है। गाइस ये स्पेशल फ़ोटो है, इसमें फ़ोटो में देखो ये बिल्कुल देखो, इसमें आशु जी हैं, देखो आप खुद देख के बताओ कि रौनक ऐसा लगता है ना अभी, और ये साथ में है चीना तो गाइस देखो मुझे बर्थडे का इतना सारा सामान मिला है, जो ये वाला सामान है ये बुआ ने भिजवाया है, नोएडा से भिजवाया है, तो यहाँ पे चोको पाई जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझको चोको पाई, लेयर जो कि हर बंदा खाता ही है, और ओरियो, ओरियो सबसे फेवरेट है मेरा, ओरियो सबने मुझे दिया क्योंकि सबको पता कि मुझे बहुत फेवरेट लगता है, बहुत अच्छा लगता है ओरियो, इसलिए सबने दिए। और चोकोस ये वो सोनिया मम्मा ने दिया है, इसके अंदर भी ओरियो है मेरा फेवरेट, मैगी जो कि मैं हमेशा खाता हूँ मुझे बहुत पसंद है, अपनी सी एना बोला मैं सिर्फ जंक फूड खाता हूँ, हेल्थी फूड भी खाता हूँ मैं, लेकिन टेस्टी लगता है बस। और ये चॉकलेट का डब्बा, साथ में फ्रूटी की बॉटल भी थी वो फ्रिज में पड़ी है, और यहाँ पे डॉली मम्मा ने भी मुझे ओरियो दिया है फेवरेट मेरा, और लेस के पैकेट दिए दो, उनने भी मुझे एक फ्रूटी की बॉटल दी है, वो मैंने फ्रिज में रख दी है दोनों की दोनों, ताकि ठंडी हो जाए। तो हाँ बस काफ़ी खुशी हूँ मैं, इतना सारा सामान मिल गया और ओरियो मिल गया खासकर। रौनक तेरा बर्थडे आज कैसा गया तो बताएगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश करी कि मैं तेरे लिए अच्छा करूँ, पर तुझे कैसा लगा बता। अच्छा लगा एकदम, मज़ा आया मुझे, मतलब बर्थडे वाले दिन मज़ा आया। हाँ आपने अपनी तरफ से तो पूरा किया था, मतलब
भले आपका मूड ठीक नहीं था लेकिन फिर भी आप लेकर गए मुझको खाने की चीजें खिलाई थी मस्त मस्त, हर चीज करी आपने तो उसके लिए बड़ा अच्छा लगा मुझको। तो तुझे ऐसे तो नहीं लग रहा कि कोई कमी लग रही हो कि ऐसा होना चाहिए था वैसा ऐसा हुआ नहीं, तो वैसा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं लग रहा, आपने अपनी तरफ से पूरा अच्छा किया था। सही में अगर पापा होते नानू होते और माजी होती तो और अच्छा लगता है, लेकिन अब कुछ कर तो नहीं सकते वैसे अच्छा लगता। तो नानू पापा माजी तो ये सब तो फिर अब बाबू बाबू लास्ट बर्थडे पे तेरे सब थे है ना? वही तो लास्ट बर्थडे पे तेरे सब थे और आज बर्थडे पे तेरे कोई भी नहीं है, मतलब कोई बात नहीं है ना, हम सब तो है ना साथ में, तो नहीं है तो क्या कर सकते हैं है ना, कोई बात नहीं, लाइफ तो जीनी होती है ना बाबू, देख हल पल निकालना भी है थोड़ा अपना है ना, सब सही भी करना, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, रो मत है ना, परेशान नहीं होना, मैं हूँ ना। तो फिर देख तेरी अभी मम्मा भी मैं ही हूँ, तेरे पापा भी मैं ही हूँ और मैं ही हूँ है ना, तो मुझे अपना समझ ठीक है। तो बाकी सब तो है ही ना फैमिली में, सारे घर में सब है तेरे साथ, और नानी है मामू है सब लोग है ना, तो फिर तुझे ऐसे सैड क्यों हो रहा है? हो रहा है तो देख के पता लग रहा है। थैंक यू। किस चीज के लिए? बर्थडे सेलिब्रेट करवाने के लिए। अच्छा, मैंने तो कुछ करा ही नहीं अपनी तरफ से। किया अपनी तरफ से। चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट बर्थडे आएगा ना तो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे ठीक है। इस टाइम थोड़ा नहीं था ना, मूड भी अच्छा नहीं था ना, तो इस करके तो कोई बात नेक्स्ट बर्थडे पे करेंगे ठीक है। हंस के दिखा दे, परेशान नहीं होना ठीक है ना। चल ठीक है, अब तू क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, तू सैड मत हो ना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा मुझे ठीक है। ओके गुड नाइट गाइस, तो आज का व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल एक नए व्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ आपको दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का प्लीज ख्याल रखिएगा। और गाइस आपको थैंक यू सो मच, आप सबने रौनक को बहुत अच्छी विशेस दी, थैंक यू गाइस, और आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए और आपने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी, तो प्लीज अपना प्यार अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा, आपके प्यार के लिए आपके सपोर्ट के लिए और आपके साथ के लिए थैंक यू सो मच। और रौनक आपको दोबारा फिर से थैंक यू बोलना चाहता है, थैंक यू गाइस, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी ब्लेसिंग मेरे बच्चे को, और बस आपका साथ रहेगा तो गाइस इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।